हेलो दोस्तों, जाहुल भाई केरवा आपका स्वागत है एक और नई वीडियो का। दोस्तों हमारे पास आई है TVS जुपिटर, उसके कंडीशन बिल्कुल, और इसमें प्रॉब्लम बताएंगे। प्रॉब्लम क्या है इस गाड़ी में? वाइब्रेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। स्टार्ट करना गाड़ी को। स्टैंड से उतारो, चलाओ इसे हल्का हल्का। दो गाइस, इसमें इतनी प्रॉब्लम है वाइब्रेशन की, बस हल्की हल्की रेस दो, बस ये दो उठाने समय धड़ कर दिए आगे से। इसकी वाइब्रेशन प्रॉब्लम को ठीक करेंगे और इसका हम क्लच सर्विस करेंगे और खुद देखेंगे क्लच के सू खराब है या रूलर ख़राब है या ओनली सर्विस है, और इसको फटाफट से हम खोलेंगे। हम इसका क्लच सर्विस करेंगे और उसके लिए हमें क्लच खोलना होगा और 8 नंबर के जितने ही बोल्ट हैं पूरे वीडियो के माध्यम से हम आपको जानकारी शेयर करेंगे। आप अपनी बाइक की या स्कूटी की वाइब्रेशन को कैसे ठीक करें हम आपको दिखा दें वीडियो के माध्यम से। अब इसको गाइस खोलते हैं फटाफट से, 8 नंबर के बोल्ट खोलने होंगे हमें। इसका क्लच चैम्बर जो है पूरा खुलेगा, इसकी जो क्लच की पुली है वो भी चेक हो जाएगी, और आगे से रोटर प्लेट जो होती है और रूलर वो भी चेक होंगे इसके। और गाड़ी की किलोमीटर की बात करें तो गाड़ी हमारी मात्र 6000 किलोमीटर चली है, 6257 किलोमीटर चली है। तो भैया प्रॉब्लम है और हम ओनर से भी मिलवा हमारे सर हैं। हेलो सर, कैसे हो? बढ़िया जी, आप बताएं सर, क्या प्रॉब्लम आ रही है आपकी स्कूटी में? सर इसमें वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, ब्रेक की आवाज़ कर रही है। अच्छा, गाड़ी धड़धड़ आ रही है। ठीक है सर, बिल्कुल आपकी जो वाइब्रेशन प्रॉब्लम है, क्लच में दिक्कत है, हम उसको खोलते हैं, देखते हैं क्या कमी है और पूरी गाड़ी आपको ओके करेंगे। ठीक है सर, ओके सर। और फटाफट से इसको क्लच खोलते हैं। भैया का कहना है कि भाई गाड़ी में इतनी वाइब्रेशन हो रही है, नई गाड़ी ली है मैंने लेकिन वाइब्रेशन से मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, और देखते हैं इसका वाइब्रेशन का कारण जो है सब इसमें ही है, क्लच में। इसमें होता क्या है, जो क्लच के शू होते हैं हमारे वहाँ कारण आ जाता है और हमारी गाड़ी वाइब्रेशन करती है। देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से हमारा जो क्लच चैम्बर है वो बाहर आएगा और इसमें फ़िल्टर होता है, ये फ़िल्टर बॉक्स थोड़ा सा ऊपर करना होगा हमें। ये देखिए हमारा जो क्लच है कुछ इस तरह सा है, और इसमें BS6 में क्लच की जो बेल्ट है दोस्तों चेंज कर दी है, इंटोर्क टाइप में लगा दी है, जैसे इंटोर्क की बेल्ट होती है, और उसके लिए हम 17 नंबर का ये बोल्ट खोलेंगे और उसके बाद आगे से खोलेंगे। सर हम हटा ध्यान, इसके लिए देखो दोस्तों कूलर का इस्तेमाल करें। ये कैची कूलर होता है इसको रोकने के लिए, और 17 की गोट हैंडल, ये नई गाड़ी है इसलिए थोड़ा टाइट खुल रहा है। कूलर का इस्तेमाल करें भाई, छेनी हथौड़ों का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करें। अगर थोड़ा साउंड आ रहा हो नॉइस का तो दोस्तों हमारी जो वर्कशॉप है वो थोड़ी मेन रोड पे है, ये देखिए लोकेशन हमारी वर्कशॉप की, जाहुल भाई केयर, और ये हमारा दोस्तों मोबाइल नंबर है। दिल्ली NCR में जो भी अगर भैया राइडर हो या बाइकर हो, जो भी दिक्कत लगे बंद हो जाए आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, नंबर हमने आपको दे दिया है। और आगे का 32 नंबर का जो बोल्ट दोस्तों हम बोल्ट खोलेंगे, रूटर प्लेट का जो बोल्ट खोलेंगे, इसमें देखो 32 नंबर का है, और इसमें एक रोकने के लिए छोटा सा प्लकपाना लगाना होगा, और इसमें जो चूड़ी होती है वो उल्टी होती है, टाइट करोगे तब खुलेगा वो। कोई नहीं, इसमें चूड़ी दोस्तों उल्टी होती है, ध्यान रखना, 30 नंबर की गोटी लगती है इसमें, टाइट करोगे तब खुलेगा ये। ये देखिए इसमें छोटा सा एक प्लकपाना लगाना होता है, और हम इसको खोलेंगे हम, ये देखिए खुल रहा है, ये उल्टा होता है दोस्तों, ध्यान रखें इस चीज़ का, अगर टाइट करेंगे तो खुलेगा, खुलेगा तो टाइट होगा, उल्टी चूड़ी होती है। ये हमारे महराज भाई खोल रहे हैं इसको। हेलो महराज भाई, गुड मॉर्निंग, ओके। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही दिल से काम करता है और तसल्ली से, और इसके काम में मैंने एक चीज़ देखी है, सफाई बहुत है, बिल्कुल अच्छे से करेगा एकदम। अगर कोई नई चीज़ नहीं होगी तो उसको देखेगा क्यों नहीं हो रही, लेकिन ये नहीं कि भैया उल्टा सीधा करा नहीं हो रही तो रहने दो, नहीं ऐसा नहीं है बिल्कुल भी भाई, एक एक काम करेगा तसल्ली से करेगा दोस्तों। दोस्तों अगर आप भी अपनी स्कूटी के वाइब्रेशन से प्रॉब्लम
है परेशान हो वाइब्रेशन से, आपकी स्कूटी की वाइब्रेशन नहीं जा रही, तो क्लच को ज़रूर खुलवाएं और सर्विस करवाएं। उसमें क्या है, सारी चीज़ें चेक हो जाएंगी हमारी, क्या दिक्कत है और क्या नहीं। ये देखिए दोस्तों, बेल्ट कुछ इस तरह से, जुपिटर VS6 जो कि बहुत ही धांसू बेल्ट, क्योंकि जुपिटर में इतनी प्रॉब्लम थी बेल्ट को लेके, बहुत ज़्यादा शिकायत थी, बेल्ट टूट जाती थी, तो कंपनी ने चेंज कर दी बेल्ट और काफ़ी अच्छा लगा ये चीज़ मेरे को, बहुत ही धांसू बेल्ट बना दी। और इसके क्लच शू की बात करेंगे हम, क्लच शू ये देखिए दोस्तों, ये क्लच के शू हैं, इस पर देखो कार्बन आया हुआ है, इन पर हम पेपर लगाएंगे रेगमाल और इसको अच्छे से फिटिंग करेंगे, ठीक है। ये बिल्कुल सही है, हमारे गाड़ी कुल 6000 किलोमीटर चली है हमारी। और ये दोस्तों हमारे रूलर हैं, रूलर देखे जाए तो बहुत ज़्यादा कट चुके हैं, ये देखो कट रहे हैं ये भाई, रूलर कट गए इसके बहुत ज़्यादा, ये रूलर कट गए इसलिए वाइब्रेशन आ रही है इसमें। और रूलर को करेंगे चेंज और दिखाएंगे पूरी मट वीडियो में। दोस्तों इसके ये देखिए, ये कटोरी होती है और हमने क्लच शू पे पेपर लगा दिया, क्लच शू दिखाओ, देखो बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं आएगी अब इसमें। और ये हमारे जो रूलर हैं, ख़राब रूलर हैं, ये हम चेंज करेंगे, नए रूलर डालेंगे, ये बेंडेक्स कंपनी के हैं, बेंड हो गए, और फटाफट से फिटिंग करेंगे। ये देखिए किस तरह से फिटिंग होते हैं, ये हम आपको दिखाएंगे। ये प्लेट है हमारी, ये देखिए इस तरह से लगते हैं रूलर, ये लगाओ लगाओ लगाओ, वेरी गुड। कुल 6000 किलोमीटर पे ही भाई रोलर कट गए, कट जाते हैं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कलर्स में सबसे ज़्यादा यही काम करता है। ये देखिए रोलर इस तरह से लगते हैं दोस्तों, और इसके ऊपर एक प्लेट लगेगी और उसकी रबड़े लगेंगी, रबड़े दिखाओ कैसी होती है। हाँ ठीक है, गुड, वेरी गुड, फटाफट फिटिंग करो। और ये यहाँ बैठेगी इन खाचों में, वेरी गुड। और अब फटाफट से इसको फिटिंग करेंगे, एक घोगली होगी इसमें, ठीक है, और इस तरह से फिटिंग होएगा, और उसके बाद हम बेल्ट लगाएंगे इसकी। ओके, जब हम बेल्ट लगाएंगे पहले हम इसको आगे से ही फिटिंग करेंगे। ये हमारी एक गरारी होती है, इस गरारी का काम भी बता देते हैं, ये हमारे बेंडेक्स है, सेल्फ बेंडेक्स को घुमाएगा और बेंडेक्स गरारी को, और फिर क्रैंक घुमाएगी और गाड़ी हमारी स्टार्ट होती है। इस तरह से स्कूटी स्टार्ट होती है दोस्तों। इस गरारी का काम हमने आपको बता दिया है, क्या काम होता है इस गरारी का। उसके बाद भोगली बाहर से लगेगा, भोगली, और फिर ये बोल्ट लगेगा और उल्टा नट लगता है, 30 नंबर की गोटी लगती है और उल्टा टाइट होता है ये नट दोस्तों। अच्छे से चेक कर लें, ओके, करो टाइट। ये देखिए हमने ये गरारी ना घूमे इसलिए छोटा सा प्लक बना ले लिया हमने गरारी को लॉक करने के लिए। आप क्या यूज़ करते हो अगर आप मिस्त्री हो, ओके, फिटिंग करो इसको दोस्तों, अच्छे से टाइट करें और ताकत से टाइट करें इसको। ये इस नट की जो चोड़ी होती है उल्टी होती है, अब इसको दोस्तों क्लच की पुली को हम फिटिंग करेंगे। इसको पहले दबाएंगे हम पुली को, देखो इस तरह से दबाई जाती है, और फिर बेल्ट को फंसाएंगे। थोड़ी मशक्कत करनी पड़ती है इसमें, हाइट डोंट वेरी, लेकिन बैठा दिया हमने अच्छे से। और उसके बाद हम ये प्लेट लगाएंगे, कटोरा जो होता है क्लच कटोरा, इस यहीं से ही पिकअप बनता है क्लच का काम, क्लच यहीं से ही काम करता है हमारा, क्लच का सूप फैलते हैं फिर ये कटोरा घूमता है। और इसमें 17 नंबर का नट है, इसमें नॉर्मल चोड़ी होती है दोस्तों, घड़ी की उल्टी दिशा में खोलोगे तो खुलेगा और टाइट करोगे तो टाइट होगा। यहाँ एक प्लग वाला लगाना है,
तो टाइट करो। ये देखो दोस्तों, औजारों से ही हमेशा टाइट करें इसको। छेनी थोड़ा बिल्कुल ना मारो, छेनी थोड़ा मारो गियर बक्सा खराब हो जाएगा हमारा और गियर बक्से के बैरिंग खराब हो जाएगा। ये दोस्तों अब इसको स्टार्ट करो, दिखाते हैं क्लच किस तरह से काम करता है। गोल्डी माइस्ट्रो चेक करो। ये देखिए दोस्तों, क्लच हमारा कुछ इस तरह से काम करता है। हल्की से रेस दो। तो फाइनली क्लच हमारा फिटिंग हो गया है। अब इसका हम क्लच चैम्बर को फिटिंग करेंगे और टेस्ट ड्राइव कराएंगे इसी, कस्टमर से फीडबैक लेंगे। तो सर हमारे टेस्ट ड्राइव लेने गए हैं और टेस्ट ड्राइव लेके आ गए हैं। जी सर, वाइब्रेशन सर खत्म हो गया। ओके, बढ़िया चल रही गाड़ी। ठीक है सर, स्मूथ हो गई ना एकदम? स्मूथ हो गई ना एकदम? बढ़िया स्मूथ है, बढ़िया चल रही है, कोई वाइब्रेशन नहीं है, कोई आवाज़ नहीं है। ओके सर, चल रही। आपकी अपनी दुकान है, कोई भी दिक्कत लगे आ जाना। ओके सर, थैंक यू। ठीक है बाय। ये भैया की जो भी ट्रक सर्विस करनी है फटाफट। हेलो भाई, कैसे हो? बस भाई, थोड़ी देर में हो जाएगी आपकी गाड़ी। ठीक है भाई, बिंदास एकदम फिट में है एकदम।